नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बिग बॉस के डे 18 के हाईलाइट सेगमेंट में। देखिए आज बिग बॉस में बहुत कुछ घटा, ज्वालामुखी टास्क का रिजल्ट आया, कैप्टन्स के बीच में फाइट हुई और सुरभि का एक अलग ही पर्सनालिटी हमें को देखने को मिला। सबा और नेहा बिगिंग के बीच में हाथापाई हुई थी ज्वालामुखी टास्क में पिछले दिन, और उसी से यहां ये दिन आरंभ हुआ जहां सबा बहुत ज्यादा खा खाई बैठी थी नेहा से। नेहा ने उनको क्यों मारा, नेहा ने उनका हाथ ऐसे पकड़ा उनके जो माइक है उस पर उनका हाथ चला गया, पर यहां सबा ने ही तो स्टार्ट किया था उनके कंटेनर से बॉल चुराना, तो ये बात रफा दफा हो गई। और फिर आगे दिखाया गया कि सुरभि ने जब बोला कि माँ की कसम नहीं खानी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, सोमी उस पर जन्ना गई, बोला कि मुझे मत बताओ और इस बारे में बात मत करो, तो सुरभि और जसूमी उनकी फाइट बढ़ गई, सबा बीच में आई और बात और ज्यादा बढ़ती गई। साथ साथ ये भी दिखाया दूसरे हिस्से में एक पैरेलल स्टोरी जो चलती रहती है बिग बॉस के घर में, वो है अनूप जसलीन की। अनूप आज थोड़ा शांत दिखे, जसलीन के साथ उन्होंने कुछ रोमांटिक डायलॉग शेयर किया और जसलीन ने भी वापस पूरा उनको हंस हंस के उसका जवाब दिया। तो अब दिख रहा है कि अनूप जसलीन की जो जोड़ी है उनके बीच में जो फाइट थी वो खत्म होती नजर आ रही है। एक और हिस्से में दिखाया जब जसलीन झाड़ू लेकर पहुंची बेडरूम एरिया में, वहां दीपक बात कर रहे थे और लोगों से, दीपक लेटे हुए थे, तो जब झाड़ू जो है जसलीन की शिव के आसपास घूमी तो दीपक ने बोला झाड़ू हटा बड़े अभद्र ढंग से, और जसलीन उस पे गुर्रा गई। जसलीन ने बोला कि आप रिस्पेक्ट करो, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। उसके बाद उर्वशी को भी उन्होंने बोला कि दीपक को समझाओ, पर दीपक माने नहीं, दीपक ने बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक था। दीपक का नजर आ रहा है इससे बिहेवियर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा चेंज होता नजर आ रहा है, जो पहले हफ्ते में दीपक थे वो अब तीसरे हफ्ते में बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आगे ज्वालामुखी टास्क चलता रहा और ज्वालामुखी टास्क में जहां सिंगर सोच रहे थे कि वो सभा को कैप्टन बना देंगे, पर वहां की जो तिकड़म है वो नहीं चली, जो जोड़ियां हैं उन्होंने नहीं माना, और एंड में बिग बॉस भी खेल गए, उनको देखा उन्होंने कि भाई सभा कैप्टन बन जाएंगे आराम से, तो ऐसा उन्होंने नहीं चाहा, उन्होंने तीन उम्मीदवार खड़े कर दिए, शिव, सोमी और सुरभि। अब जब कैप्टनसी का कार्य शुरू हुआ तो वहाँ बहुत ज्यादा तू मैम होनी शुरू हो गई, वहाँ स्ट्रेटजी बना के चाहे किसी को कन्विंस कर सकते थे, हंसा सकते थे, रुला सकते थे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। कभी सुरभि नहीं मानी कि मैं हिलूंगी नहीं, सुरभि ने बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखाया, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आग तो कभी पानी, और साथ साथ सोमी ने भी हर बात का जवाब भरपूर दिया, उनकी जो दुश्मनियां बढ़ती भी नजर आ रही है। पर एपिसोड के आखिरी में दिखाया गया कि नेहा डिस्क्वालीफाई कर देंगी सोमी को, और हो सकता है फाइट जो रह जाएगी वो सुरभि और शिव के बीच में रह जाएगी, पर कैप्टन कौन बनेगा कल देखेंगे, मैं नहीं दिखाया। पर आउटरों में ये जरूर दिखाया कि जो ज्वालामुखी टास्क था उसमें जो सिंगल्स थे, जो नेहा करणवीर उसी संजो नहीं खेल पाए थे ज्यादा और जल्दी निकल गए थे, तो वो काल कोठरी में जाएंगे, पर साथ साथ सुरभि की भिड़ंत होगी श्रीसंत से, और वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुरभि श्रीसंत को क्या बोलते हैं, श्रीसंत उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या अपने गुस्से पे काबू कर पाएंगे श्रीसंत, ये देखने के लिए जुड़िएगा एक बार फिर से रात को लाइव स्ट्रीम जो डिटेल करते हैं आकाश भाई लाइव चैट के साथ, वो रात को 11 बजे। अब आप अलविदा लेते हैं, कल फिर से मिलेंगे इसी हाईलाइट सेगमेंट में जिसमें ताजा खबरें बिग बॉस की 2 से 3 मिनटों में ही आप तक पहुंच जाती हैं। चलिए अलविदा, शब्बा खैर, खुद हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चेयर्स एंड गुड बाय।